हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरी छोटी सी रसोई में स्वागत है। मेरा नाम शर्मिला है और आज हम बनाने जा रहे हैं चाइनीज़ पास्ता। आप देख सकते हैं ये रेस्टोरेंट से भी अच्छा, घर में आप खुद बना सकते हैं और ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही टेस्टी बनता है। और अगर आप बनाना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैंने यहाँ पे आधी कढ़ाई पानी को अच्छे से गर्म कर लिया है। गर्म करने के बाद मैंने इसमें एक चम्मच नमक डाला है। इसके बाद मैं इसमें एक चम्मच तेल डालूंगी और इससे मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। पानी हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए दोस्तों, इस तरीके से इसे मिक्स कर लें। इसे मिक्स करने के बाद मैं इसमें एक कटोरी पास्ता ऐड करूंगी। आप पास्ता कोई भी लें लेकिन अच्छी क्वालिटी का लें। और ये स्पाइरल पास्ता मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, अगर आपके पास नहीं है तो आप दूसरे पास्ते का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे मैं कम से कम 8 से 10 मिनट तक इसे पकने के लिए छोड़ दूँ, क्योंकि ये वीट और सूजी से बना होता है तो इसे पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसे हम ढक्कन लगा के पकने के लिए छोड़ देंगे, बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा पास्ता रेडी हो गया है और इसे मैं कट करके आपको बता रही हूँ। इसे 80% पकाना है, पूरा 100% हमें नहीं पकाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो बीच का पार्ट है अभी हार्ड है, जो थोड़ी सी साइन मारी थी हमें उतना ही पकाना है। और इसे आप एक छन्नी की सहायता से इस तरीके से सारे पानी को छान के, उसमें मैंने नॉर्मल पानी भी डाला है जिससे इसका टेम्परेचर वहीं पर स्टॉप हो जाए, और इसे मैंने साइड रख लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे सब्जियाँ लिया है इसी तरीके से कट करके। मैंने यहाँ पे ब्रोकली लिया है, आप इसके जगह पे कॉलीफ्लावर का भी यूज़ कर सकते हैं। प्याज लिया है, कैप्सिकम लिया है, मेरे पास येलो और रेड दोनों थे तो मैंने उसका भी यूज़ किया। आपके पास नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। साथ में मैंने यहाँ पर बेबीकॉर्न एंड गाजर भी लिया है, आपके पास जो है आप उसे लें, अगर नहीं है तो स्किप कर दें। और इन सभी को मैं इस तरीके से एक बॉल में डाल रही हूँ, बॉल के अंदर। इसको हम एक अच्छा जो चाइनीज़ पकोड़ा होता है उस तरीके से हम इसको रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक छोटी चौथाई मैंने काली मिर्च डाला है जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। इसी के साथ मैं इसमें ऐड करूँगी नमक, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करें। इसके साथ मैं इसमें डाल रही हूँ कॉर्नफ्लावर। यहाँ पर मैं अभी 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ। आप पहले थोड़ा कम ही डालें, अगर कम लगेगा तो हम बाद में भी ऐड करेंगे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा मोटी लेयर यहाँ नहीं बनानी है। साथ में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 चम्मच मैदा। आप मैदा से दुगना ही हमेशा कॉर्नफ्लावर को ऐड करें। और इसी के साथ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच शेजवान चटनी, अगर आपके पास है तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें। लेकिन इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है दोस्तों, इसलिए मैं इसे इसमें डाल रही हूँ। और इसे आप इस तरीके से पहले मिक्स करें, आप देख रहे हैं पहले सूखा ही आप इसे मिक्स करें। इसके बाद आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे मिक्स करें। आप इसको बहुत ही ज़्यादा लिक्विडी ना बनाएं, आप इसको अच्छा जैसे पकोड़ा भजिया के लिए होता है उसी तरीके का आप इसको बैटर रखें। आप देख सकते हैं थोड़ा सा कम है इसमें आटा, तो मैंने 1 चम्मच और डाला है कॉर्नफ्लावर और 1/2 चम्मच मैदा। और इसे हम फिर से इस तरीके से मिक्स करेंगे और आप देख सकते हैं कि हमें एक मोटी लेयर नहीं बनानी है, पतली लेयर बनानी है। और इसे हम साइड रख देंगे। अब मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले लिया है और इसमें मैंने तेल डाल के मीडियम गरम कर लिया है, मैंने बहुत ज़्यादा हाई गरम नहीं किया है। और इस तरीके से आप सब्जियों को अलग कर करके इसमें डालें, आप देख सकते हैं सभी को इसमें डाल दें जितना एक बार में आप फ्राई कर सकते हैं। इस समय फ्लेम को आप मीडियम रखें, मीडियम पे ही इसे फ्राई करें। और इससे कम से कम 3 से 4 मिनट लगेगा फ्राई होने में, हमें एक अच्छा गोल्डन क्रिस्पी होने तक इसे पकाना है। इस तरीके से आप सभी को अलग करते हुए पलट पलट कर आप इसे फ्राई कर लें। और इस तरीके से ही हम सभी को फ्राई कर लेंगे, आप देख सकते हैं अच्छे से जब क्रिस्पी हो जाए इसे निकाल लें। और मैंने इस पर यहाँ पर सभी को इस तरीके से फ्राई करके ले लिया है। तो दोस्तों अब हम फाइनल पास्ता बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है एक पैन और इसमें 1 चम्मच तेल डाल दिया है, आप कोई कढ़ाई का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इसे मैं 1/2 चम्मच लहसुन जिसे मैंने बारीक कट कर लिया था इसमें मैंने ऐड कर दिया है। और इसे हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, इससे मैं फ्लेम को मीडियम ही रखे, हाई ना रखें। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है हरे प्याज और नॉर्मल प्याज, 1/2 नॉर्मल प्याज है और हरे प्याज का मैंने वाइट पार्ट को इसमें डाला है, 1 लिया था मैंने और हरे पार्ट को मैंने अलग रख दिया है। इसे लगभग हम 1 मिनट तक पकाएंगे, हमें किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। इसके बाद
इसमें ऐड कर रही हूँ हमारे बॉइल्ड पास्ता, और इसे मैं आधे मिनट के लिए मिक्स कर लूँगी। इसके बाद मैंने डाला है इसमें काली मिर्च 1/4 छोटा चम्मच, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। साथ में हम डालेंगे 1 चम्मच भर के सोया सॉस, इसी के साथ मैं डाल रही हूँ चिली सॉस। चिली सॉस भी मैंने यहाँ पे 1 चम्मच के आसपास डाला है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं थोड़ा सा। साथ में मैंने डाला है 1 चम्मच विनेगर, और इसे मैं इस तरीके से मिक्स कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर को पानी में घोल के आप ले लीजिए और इसे इसमें डाल दीजिए और इसे अच्छे से आप मिक्स कर दीजिए। आप पहले मैंने आधी कटोरी पानी डाला, अगर और लगेगा मुझे पानी तो मैं इसमें ऐड करूँगी बाद में। अब मैं मुझे कलर यहाँ पे कम लग रहा था तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच सोया सॉस और डाला है। साथ में मैंने डाला है 1 चम्मच भर के टमाटो सॉस, इसे आप ज़रूर डालें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट बढ़ जाता है इसका। अब इसके साथ मैं डाल रही हूँ हमारा सेजवान चटनी, अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं तो स्किप कीजिए, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है इसलिए मैंने इसमें डाला है। बहुत ही अच्छा चाइनीज़ फ्लेवर ये दे देता है, तो इसे भी मिक्स किया है मैंने। और इसके साथ मैं डाल रही हूँ नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। आप फ्लेम को मीडियम ही रखें, मीडियम पर ये सारा प्रोसेस आप करते जाएँ। इसमें डाल रही हूँ मैं चिली फ्लेक्स, आपके पास है तो आप इसे ज़रूर डालें। साथ में मैं डाल रही हूँ पिज़्ज़ा सीजनिंग 1/4 छोटा चम्मच, मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, अगर आपके पास है तो आप इसे ज़रूर डालें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और इसे एक बार मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद मैं इसे चेक कर रही हूँ कि हमारा पास्ता अच्छे से कुक हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि हमने इसे 80% ही पकाया था, बाकी का ये सॉस के साथ में पका है। मिक्स करने के बाद मैं इसमें 2 से 3 चम्मच पानी और डाल रही हूँ, क्योंकि हमारी ग्रेवी थीक हो गई थी और अभी हमें वेजिटेबल को डालना बाकी है। इसके साथ मैं डाल रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच चीनी, और इसे मैं मिक्स कर रही हूँ। चीनी आप ज़रूर डालें, ये सभी फ्लेवर को अच्छे से बैलेंस करता है। इसे मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ फ्राई किए हुए सारे वेजिटेबल। इसके बाद आप फटाफट इसे मिक्स करें, इसे बहुत ज़्यादा टाइम तक आप ना पकाएं, नहीं तो वेजिटेबल आपका सॉफ्ट हो जाएगा, उतना क्रिस्पी नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं इसे बस अच्छे से एक कोटिंग बनानी है, सारे वेजिटेबल के ऊपर भी कोटिंग आ जानी चाहिए, और इसे हम बंद कर देंगे। बंद करने के बाद आप इस पर हरे प्याज स्प्रिंकल कीजिए और उसे गर्मा गर्म खाइए, बहुत मज़ा आएगा दोस्तों, आप देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें।